तो बस अब से 24 से 48 घंटे और दूर हैं हम लोग मनी इन द बैंक पेपर व्यू से, जो कि काफ़ी कमाल का WWE का मेरे हिसाब से पेपर व्यू बन सकता है। लेकिन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एक काफ़ी बड़ी अपडेट के बारे में, क्योंकि एक काफ़ी बड़ा सुपरस्टार कर सकता है जंप WWE के हेडक्वार्टर से। अब ये कोई मजाक नहीं, इस वीडियो के अंदर इस काफ़ी कमाल की इन बड़ी अपडेट के बारे में तो हम करेंगे डिस्कस, साथ ही साथ बात करेंगे WWE का क्या कहना है, जो फैंस की वापसी कब तक हो सकती है एक बार फिर से स्टेडियम के अंदर, AEW के डबल एंड नथिंग पेपर व्यू के बारे में भी बात करेंगे जहां पर काफी बड़े मैचेस हो चुके हैं कंफर्म, SummerSlam 2020 हो सकता है कैंसिल, इसको लेकर क्या ये अपडेट सामने, और किस तरीके से MITB 2020 होगा टेलीकास्ट, इसको लेकर भी काफी बड़ी अपडेट आई है सामने। तो काफी सारी अपडेट्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी जानने के लिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वीडियो को हम लोग इस बार शुरू करेंगे मनी इन द बैंक के पेपर व्यू के मेंस एंड वुमेंस के लैडर मैचेस के बारे में, जो कि हमें इस बार WWE हेडक्वार्टर्स के अंदर दिखाई देने वाले हैं। और हमसे भी ये बात जानते हैं कि रिंग के अंदर नहीं होंगे, लेकिन आपको बता दूं रिसेंटली माइक जॉनसन की तरफ से कैसी अपडेट निकलकर आई है सामने, जो कि थोड़ी बहुत आप सभी के लिए सरप्राइज जरूर हो सकती है, क्योंकि ऐसा मानना है उनका कि WWE बाकी मैचेस को एंड मेंस एंड वुमेंस के लैडर के मैचेस को दोनों को मिक्सअप करने वाली है। अब मिक्सअप इन द सेंस, मान लो अभी रिंग के अंदर मैच चल रहा है ब्रे वायट वर्सेज ब्राउन स्ट्रोमन के बीच में हमें मैच की कट दिखाई देगा, जहां पर जो WWE है वो दिखाएगी किस तरीके से मेंस एंड वुमेंस का लैडर मैच भी फिलहाल चल रहा है, कौन से सुपरस्टार आगे है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ये दोनों मेंस एंड वुमेन के लैडर मैच पूरे के पूरे टेप्ड हैं, और WWE जान उसके ऐसे इसलिए करेगी ताकि वो लाइव दिखा सके कि भाई रिंग के अंदर भी एक्शन चल रहा है और WWE हेडक्वार्टर्स के अंदर भी एक्शन चल रहा है, यानी कि सारे मैचेस एक साइड रिंग के अंदर चलते होंगे और दूसरी साइड मनी इन द बैंक के पेपर व्यू के मेंस एंड वुमेंस के लैडर मैचेस चलते होंगे। और मैं कह सकता हूं काफी यूनिक चीज WWE ट्राई कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मेरे हिसाब से भाई WWE को आराम से पहले मनी इन द बैंक के मेंस एंड वुमेंस के लैडर मैचेस दिखा देता, फिर बाकी जो सारे मैचेस है वो हमें रिंग के अंदर दिखा देता। लेकिन खैर, अगर WWE को डिफरेंट चीज करने की सोच रही है, मेरे हिसाब से हमें एक बार देख लेना चाहिए क्या कुछ होते हैं मनी इन द बैंक के शो में, उसके बाद जरूर रिव्यू वाली एक तो ओपिनियन वाली वीडियो चैनल पर जरूर आएगी। तो इसके बारे में यार आपका क्या सोचना है नीचे मुझे ऑफकोर्स कमेंट के अंदर जरूर बताना। लेकिन गाइस, जो इस बार की हमारी अगली अपडेट है जो कि जुड़ी है AEW के डबल एंड नथिंग पेपर व्यू के बारे में, जो कि हमें दिखाई देने वाला है 23 मई को, और आपको बता दूं ये पेपर व्यू भी विदाउट ऑडियंस ही होने वाले। लेकिन खैर, मैचेस के बारे में बात कर लें तो आपको बता दूं यहां पर ये मैच कंफर्म हो चुका है कि जो जॉन मॉक्सली है वो AEW के वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल को डिफेंड करेंगे ब्रूट ली के खिलाफ, यानी कि ये वही पुरानी रेवलरी डीन एम्ब्रोस वर्सेस ल्यूक हार्पर की हमें एक बार फिर से दिखाई देगी। लेकिन इस बार एक कंपनी से बाहर होने वाला है। इसके अलावा कोडी रोड्स वर्सेस लेंस आर्चर के बीच भी मैच होगा, जो कि होगा TNT के चैंपियनशिप का फाइनल राउंड, और देखते हैं कौन सा हमें फर्स्ट एवर TNT चैंपियन दिखाई देता है AEW के अंदर। साथ ही साथ MJ5 वर्सेस जंगल बॉय के बीच काफी कमाल का सिंगल्स मैच भी ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कैसीनो लैडर मैच कंफर्म हुआ है AEW की तरफ से, जो कि होने वाला है इस बार फॉर द AEW वर्ल्ड टाइटल शॉट, यानी कि जो जीतेगा उसे AEW वर्ल्ड टाइटल का शॉट मिलने वाले। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने वर्ड ऐड किया है कैसीनो लैडर मैच, इसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्या आने वाले टाइम में AEW इसको लेकर चीजें रिवील करती है। बाकी गाइस, ये भी फिलहाल के मैचेस जो कि कंफर्म हुए हैं, बाकी आगे जितने भी मैचेस कंफर्म होंगे उसकी भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगी। लेकिन बात कर लें अगली अपडेट के बारे में, चूंकि जुड़ी है WWE फैंस के बारे में, कब तक एक बार फिर से हमें स्टेडियम के अंदर आते हुए नजर आएंगे और इसको लेकर WWE का क्या कहना है, तो आपको ये बात बता दूं रिंग साइड न्यूज की तरफ से काफी बड़ी अपडेट इसको लेकर निकल कर आई है सामने। एंड उनका मानना यह है कि WWE बैक स्टेज पर अभी इसको लेकर कोई भी बात नहीं हो रही है, एंड अभी फिलहाल WWE बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि वो फैंस को एक बार फिर से WWE के इवेंट्स को अटेंड करने दे। अब मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो अभी फिलहाल जो लार्ज गैदरिंग है वो तो बंद चली रही है। हाँ, मान सकते हो कि आप 100 में से 20-30 बंदे बुला लो, उसको देखकर आप शो अपना चला सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से WWE उसके लिए इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि इस टाइम WWE न्यू चीज़ों को ट्राई कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया जो किस तरीके से लैडर मैच होगा वो हेडक्वार्टर्स के अंदर होगा, ठीक इसी तरीके से ग्रेवयार्ड मैच एंड बोर्ड एंड मैच जो भी आप कह लो वो दिखाई दिया था हमें रेसलमेनिया के शो में। तो मेरे हिसाब से जब तक सारी चीज़ें ठीक नहीं हो जाती हैं WWE इसको लेकर कोई भी बात नहीं करेगी, और मेरे हिसाब से सीधा सारी की सारी ऑडियंस को स्टेडियम के अंदर लाइए, ना कि ऐसा हो कि 100 में से 25% ऑडियंस ही आ जाए। लेकिन खैर, बात कर ले हम लोग इस साल के WWE के समर स्लैम के पेपर व्यू के बारे में, चूंकि WWE का सेकेंड रेसलमेनिया वाला पेपर व्यू भी माना जाता है। और आपको बता दूं रिसेंटली ऐसी अपडेट्स आ रही है सामने कि WWE को एक न्यू लोकेशन फाइंड करने
करनी पड़ सकती है समर स्लैम 2020 की। अब रीजन ये है जहां पर समर स्लैम पेपर व्यू होने वाला है यानी कि बॉस्टन के अंदर, वहां के जो मेयर हैं मार्टी वेल्श, उन्होंने रिसेंटली इस बात को अनाउंस किया कि कोई भी लार्ज गैदरिंग हमें लेबर डे तक नहीं दिखाई देगी। आई थिंक सो लेबर डे उन्होंने कहा जहां पर 7 सितंबर को लेबर डे होगा और वहीं तक आपको सीधा ऑडियंस कोई नहीं दिखाई देगी। एंड 7 सितंबर के बाद हो सकता है जो क्राउड है वो अलाउड हो जाए इवेंट्स के लिए जो कि स्पोर्ट्स इवेंट्स के होते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं जो समर स्लैम का पेपर व्यू है वो एक्चुअली में अगस्त 23 को होने वाला है और अगस्त के बाद आता है सेप्टेम्बर यानी कि करीबन 15 से 20 दिन बाद जो है ऑडियंस को अलाउ किया है बॉस्टन के मेयर ने। तो यहां से मैं कह सकता हूं WWE को बैकअप प्लान ढूंढने की एक बार फिर से जरूरत पड़ सकती है या फिर उन्होंने समर स्लैम का पेपर व्यू भी एक बार फिर से करवाना पड़ सकता है WWE के परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर। लेकिन देखते हैं, मेरे हिसाब से WWE के पास कुछ इंटरेस्टिंग प्लान जरूर होंगे। और आपको बता दूं ऐसे भी अपडेट्स आने की, हो सकता है समर स्लैम का पेपर व्यू कोई बीच वगैरह पर हो तो काफी डिफरेंट चीज WWE एक बार फिर से पॉसिबिलिटी ट्राई कर सकती है समर स्लैम के WWE के शो में। अगली एंड फाइनल अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि जुड़ी है इस साल के मेंस के लैडर मैच के बारे में या फिर को मनी इन द बैंक के पेपर व्यू के बारे में। और आपको यह बात बता दूं काफी बड़ा सुपरस्टार हमें जंप करता हुआ नजर आ सकता है WWE हेडक्वार्टर से। अब आपको यह बात बता दूं ये कोई मजाक नहीं है बल्कि रिसेंटली काफी बड़ी अपडेट आई है सामने, और ये अपडेट आई है सामने रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से। उनका मानना यह है कि जो WWE का हेडक्वार्टर होने वाला है जहां पर मनी इन द बैंक का पेपर व्यू होगा, वहां पर टेपिंग्स के टाइम जो विंस मैकमैन एक अननोन टैलेंट के साथ खड़े थे और वो एकदम रूफ के टॉप पर जाकर उसे ये समझा रहे थे किस तरीके से वो काफी सेफली एक बंप ले सकता है कंपनी के हेडक्वार्टर्स के ऊपर से, चाहे उसे धक्का दे दिया जाए, चाहे वो खुद कूद जाए ऊपर से या फिर स्टंट वगैरह करके विंस मैकमैन खुद उसे दिखा रहे थे। और भाई विंस मैकमैन की दाद देनी पड़ेगी भाई, किस तरीके से 74 साल का एक बूढ़ा अंकल सिखा रहे वहां पर बंदों को किस तरीके से वो स्टंट कर सकते हैं। खैर ये तो बात रही विंस मैकमैन की, लेकिन स्टिल ये जो बात है वो अननोन है किसको विंस मैकमैन ये सारी चीजें समझा रहे थे, ये सारी चीजें करवा रहे थे। तो इसलिए स्पॉयलर्स के हिसाब से यही अपडेट आई है सामने के काफी बड़ा सुपरस्टार आप सभी को इस संडे आई मीन इंडिया के अंदर मंडे आपको कूदता हुआ नजर आ सकता है मनी इन द बैंक के शो से। तो काफी बड़ा स्टंट होगा WWE की तरफ से, काफी यूनिक चीज होगी WWE की तरफ से जो कि हिस्ट्री के अंदर जरूर रिकॉर्ड होगी। और देखते हैं भाई क्या कुछ होता है मनी इन द बैंक के पेपर व्यू में। खैर अगर आपको कोई क्ल्यू लगता है या फिर आपका कुछ मानना है कि कौन सा सुपरस्टार प्रोबेबली वो हो सकता है जो कि ऊपर से जंप करे वो नीचे मुझे कॉमेंट्स के अंदर जरूर बताना। एंड क्या आप लोग एक्साइटेड हो मनी इन द बैंक के पेपर व्यू के लिए या फिर नहीं ये भी जरूर बताना। एंड गाइस ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो नीचे यार वीडियो को ऑफकोर्स लाइक के बिना कहीं मत जाना। अगर आप चैनल पर नए तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाई दो यार, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड कमाल की अपडेट्स जानने को मिलती रहे। एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।